कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसद भवन में ये बैठक और बैठक में सोनिया गांधी ने किया कांग्रेस सांसदों को संबोधित। कहा, हमारे चार बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सहयोगी अभी हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारी अगली बैठक से पहले और सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनमें से प्रत्येक ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत योगदान दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुझे विश्वास है कि वे सभी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे और हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। तो ये हाल ही में सेवानिवृत्ति को लेकर किया कहा सोनिया गांधी के कांग्रेस सांसदों को संबोधित करते हुए ये संबोधन उन्होंने दिया और कहा कि हमारे चार बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सहयोगी अभी हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारी अगली बैठक से पहले और सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो उनमें से प्रत्येक ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत योगदान दिया है। तो ये संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें और क्या कुछ खास रहा? अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है। अदिति, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने लोकतंत्र और समाज के लिए पार्टी में परिवर्तन की जरूरत बताई। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने में लगी हुई है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक इस बार जो सत्र हुआ उसमें ये पहली बैठक मानी जा रही है और बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेस सदस्य शामिल रहे। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये बैठक की अध्यक्षता की और आपको बता दें कि जो आज संसद में एक बैठक की जो बैठक की अध्यक्षता की उसमें तमाम बातें की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि जो सुझाव मिले हैं उन पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए और खासतौर से सोनिया गांधी के लिए ये है कि जो पार्टी इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद बिखर गई है और फूट सामने नजर आ रही है उसको सबसे पहले कम करना है और उसी की वजह है कि कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन पर सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इस सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ। कांग्रेस में परिवर्तन ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अलग अलग समाज के रूप में उसको तोड़ रही है। मुझे मालूम है कि हालिया चुनाव में हार के बाद सभी लोग कितना दुखी हैं, ये भी सोनिया गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि परिणाम चौंकाने वाला है, दुखदाई है, सरकार का देश को तोड़ने वाला है और ध्रुवीकरण का एजेंडा लगातार जारी है और यही वजह है कि कांग्रेस को एकजुट खड़े होने होगा। लेकिन उन्होंने जितने भी अभी जो राज्यसभा से निवृत्त होने वाले हैं जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है उनकी उनके कार्यकाल की उनके योगदान की तारीफ की। सोनिया गांधी ने इस बैठक में जो है मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की, ये मैसेज दिया कि पार्टी अब एक साथ एकजुट खड़ी होगी और कहीं ना कहीं देखिए इस तरह की बैठकों से जो बातें बाहर निकल कर आती हैं उसमें सोनिया गांधी ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो पिछले दिनों में चाहे वो G23 के रूप में हो चाहे वो अलग अलग तरीकों के रूप में पार्टी बिखरती नजर आ रही थी वो वापस एकजुट है और यही वजह थी कि उन्होंने सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात की। मनीष तिवारी हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, इन तमाम लोगों के साथ मुलाकात की और आने वाले दिनों में उनका जो काम होगा उनका दायरा होगा और जो उनका इन्वॉल्वमेंट होगा वो पार्टी में आपको ज्यादा नजर आएगा और मौजूदा राजनीतिक हालात पे भी विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है सत्र का जिसमें 7 विधेयक जो हैं वो राज्यसभा में पारित होंगे वो करने हैं सरकार को और 4 विधेयक लोकसभा में और वो 700 विधेयक के चलते 5 से 8 तारीख तक राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी भी किया हुआ है और इसमें क्योंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, सरकार बहुत सक्षम है कि दूसरे छोटे दलों के साथ साझेदारी करके बिल पास करा लेगी, लेकिन फिर भी किस तरीके से चुनौती हो सकती है, खासतौर से देश भर में जिस तरीके से महंगाई को लेकर मुद्दा उठ रहा है। हालांकि जब कोई वोट देने पहुंचता है जहां चुनाव होता है वहां महंगाई का मुद्दा बुल्ड हो जाता है। यही वजह है कि किस तरीके से मोदी सरकार के योजनाओं पर, नीतियों पर, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस कैसे आक्रामक हो उसके लिए पहले जरूरी है कि कांग्रेस ठीक है। तो ये कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो सोनिया गांधी ने कही हैं और साथ ही साथ जो रिटायर हुए हैं राज्यसभा से उन सभी लोगों का धन्यवाद भी किया और साथ ही कहा कि बहुत उत्कृष्ट कार्य जो है उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया उदिति जानकारी के लिए।